सो यार न्यू सीजन बिगिन हो चुका है और मतलब न्यू विक्ट्री रोड हमारी खुल चुकी है फिर से एक बार, नए ऑसम सुपरस्टार कार्ड, न्यू रिवॉर्ड बॉक्सेस, सब कुछ अमेजिंग सा। सो आई होप यार आप लोग इन्जॉय कर रहे हो और मेरी गुजारिश है एंड से कि यार एक नया मोड ला दे, नया फीचर ला दे तो और मजा आ जाए इस गेम में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा गेम है और अगर कुछ कनेक्शन इश्यूज के बॉक्स को निकाल के अगर अच्छा सा कर दे तो बढ़िया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये जो लेजेंडरी बॉक्सेस हैं इनको आप बचा के रखना, ताकि आप एक जैन को जब अल्टीमेट वॉरियर फ्री हो जाए तो आप उनको जल्दी से जल्दी पा सको, उसका चांसेस हाई हो जाएगा आपको मिलने का। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बचा के रखना लेजेंडरी बॉक्सेस को, बहुत औसम है। और साथ ही हमारे पटेल निकुंज भाई ने कहा है कि हमें लेजेंडरी चाहिए टेक्नीशियन सुपरस्टार्स में भी एक, तो हाँ यार उनकी बात एकदम सही है क्योंकि सारी क्लासेस में हमें लेजेंडरी मिल चुका है बट टेक्नीशियंस में कोई भी लेजेंडरी सुपरस्टार नहीं है। तो सीधे हम लोग मैच में एंट्री मारते हैं और हम लोग बिग डॉग के सामने आ चुके हैं मैच में छलांग मार के सीधे। सो बिग डॉग पहले पीछे जाते हुए देंगे हम इनको टेक डाउन ग्रैपल बेहतरीन सा। काश हमारी एक एनर्जी जल्दी से आ जाती तो हम इसको दे देते अपना मूव, अब नहीं दे पाएंगे। और पीछे ये कार्ड नहीं लगा, हमारा ब्लॉक बहुत बुरा हुआ भाई। कोई बात नहीं, ये रोप थ्रो के बाद DDT बहुत बेहतरीन। पावर हाउसेस स्लो होते हैं बट भाई पावरफुल होते हैं, ये तो बात कहनी पड़ेगी। ब्लॉक, दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक मेरे को बहुत अच्छा लगता है पावर हाउसेस में, बहुत देर तक आपको एक तो हेल्थ बहुत ले जाता है, साथ में रिकवर करने को बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है आपको। लीपिंग शोल्डर ब्लॉक, रोमन रेंस इज स्टंड और बेहतरीन सी किक्स और कॉम्बोज के साथ हम करेंगे इनको शोल्डर अटैक। रोमन रेंस ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल, कोई बात नहीं। पीछे 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 यार आपको जगह ही नहीं बची और कहाँ जो पीछे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पेट पचाओ शॉट खाते हुए हम लोग, सिट आउट पावर बॉम्ब लेते हुए हम लोग, एंड 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 ओ माय गॉड, स्पीयर इज द डेडली स्पीयर ऑफ रोमन रेंस, बहुत ही बेहतरीन सा। इस वक्त अल्टीमेट वॉरियर पिछड़ रहे हैं भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, कह के लूंगा फ्रॉम रोमन रेंस। ऑसम अल्टीमेट वॉरियर का गोरिल्ला ड्रॉप टू रनिंग स्प्लैश, बहुत ही बेहतरीन सब पिकअप ड्रॉप के बाद स्प्लैश, तो मजा आने वाला वीडियो। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं यार मैच में, ये बेहतरीन अटैक है रोमन रेंस की तरफ से मगर हमारे पास अभी टेक डाउन ग्रैपल, लेकिन हमारी एनर्जी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है एबिलिटी, इसलिए एनर्जी फ्लो रिकवर हो रही है हमारी। प्लीज यार जब मैंने लगाया था ब्लॉक तब तुमने अटैक नहीं किया, अब जब मैं ब्लॉक हट गया तो तुम अटैक करते हो, बहुत गलत बात। सुपरमैन पंच स्लो मोशन में देखिए, सुपरमैन पंच बहुत ही बेहतरीन सा, मेरे को बेस्ट मूव लगता है WWE में सुपरमैन पंच। ओके बट आई मतलब मैं आपको बता दूं यार, ट्राइबल चीफ का सुपरमैन पंच से ज़्यादा मुझे बिग डॉग का सुपरमैन पंच अच्छा लगता है। वो बिग डॉग जो शील्ड का मेंबर था भाई साहब ऑसम था वो, मैं उसी के लिए तो WWE देखता था बट अभी फिलहाल वो बदल चुका है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अल्टीमेट वॉरियर पिछड़ते हुए रोमन रेंस से अटैक सुपरमैन पंच, हमारी हाइप रेडी है, बस हमको इंतजार है कि हमारा लीपिंग शोल्डर ब्लॉक कनेक्ट हो जाए अच्छे से। यस वी कनेक्टेड और हमको शायद हाइप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मैच खत्म कर देंगे हम लोग, रोमन रेंस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रनिंग स्प्लैश एंड इट्स अटैकिंग शोल्डर ब्लॉक से मैच खत्म, हाइप की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो कैसा लगा आपको गेम प्ले, आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब। तो गुड बाय, मिस कीप स्माइलिंग, बी सेफ, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन से वीडियो में।